बयान ने झारखंड की राजनीति में खलबली मचा दी है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए पीएम मोदी की तुलना हिटलर से कर दी है। जंतर मंतर पर अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के दूसरे दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने शब्दों की मर्यादा लांघते हुए पहले तो पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की और यहां तक कह दिया कि हिटलर की मौत मरेगा मोदी। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है, मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी, सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। सुबोध कांत सहाय की जो भाषा है वो बिल्कुल अमर्यादित है और ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य में क्या एक नेता को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या विरोध करने का ये तरीका सही है? क्या सुबोध कांत सहाय को एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से बयान देना चाहिए? क्या हिटलर से तुलना उन्हें करनी चाहिए थी? और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नेहा जुड़ रही हैं दिल्ली से। नेहा, सुबोध कांत सहाय समेत तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, वो सत्याग्रह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो भाषा की मर्यादा है वो भूल रहे हैं। क्या विरोध करने का यह तरीका जायज है? बिल्कुल, देखिए विरोध करने का तरीका, चूंकि कांग्रेस सत्याग्रह नाम दिए इस विरोध प्रदर्शन को, तो आप समझ सकते हैं कि अहिंसा इसमें प्रमुखता आती है, लेकिन शाब्दिक हिंसक शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा नीतिगत जो नीति बताते आ रही है अभी तक कांग्रेस की, हम अहिंसा के साथ विरोध करना चाहते हैं, हम सत्य को पराजित नहीं होने देना चाहते हैं, हम किसी तरीके का कि मर्यादा को हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन वही पता, सुबोध कांत सहाय भाषण में बोलते बोलते उन्होंने कहा कि हिटलर की चाल जो चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, इस बयान को उन्होंने सही भी ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि ये तो हम छात्र जीवन से राजनीतिक मुहावरे के तौर पे इसको इस्तेमाल करते आए, ये तो एक मुहावरा है, राजनीतिक गलियों में इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से इस बयान को उन्होंने सही भी ठहरा दिया। इसके साथ ही जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने साफ तौर पे इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि हम जरूर सत्याग्रह के माध्यम से विरोध जता रहे हैं अग्निपथ के मुद्दे को लेकर, लेकिन किसी भी तरीके का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं है, किसी का निजी बयान हो सकता है। तो कांग्रेस ने तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अभी तक सुबोध कांत सहाय ने साफ तौर पर कहा कि मैंने जो भी बयान दिया वो एक मुहावरा के तौर पर मैंने बिल्कुल नया इस पर नया बिल्कुल आप बनी रहिएगा। इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्या टिप्पणी की है, आइए सुनाते हैं। कांग्रेस आज बौखलाई हुई और अनाप शनाप असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रही है, देश की जनता देख रही है और इसी आप शब्द बयान से, चाहे महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं का बयान हो या फिर झारखंड के कांग्रेसी नेताओं का बयान हो या फिर इनकी कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का बयान हो, चाहे माननीय राहुल गांधी का बयान हो, इन्हीं बयानों के कारण आज देश में कांग्रेस समाप्त होती जा रही है, देश की जनता को अब कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं है। तो एक तरफ तो कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है, यानी सत्य के लिए आग्रह कर रही है, दूसरी तरफ अहिंसा, क्योंकि सत्याग्रह जब गांधी जी करते थे तो उसमें अहिंसा एक प्रमुख विचार होता था, और कहीं ना कहीं शाब्दिक जो हिंसा हो रही है उस पर भी सोचने की आवश्यकता है। नेहा हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। नेहा, कांग्रेस पार्टी ये भी कहती रही है कि जो नेता उल जुलूल हरकतें करते हैं, बयानबाजी करते हैं, उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा, तो क्या इस बयान को संज्ञान में लिया गया, क्योंकि ये बयान किसी भी तरीके से जायज नहीं है? देखिए, इस बयान पे साफ तौर पे जो अभी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को देख रहे जयराम रमेश कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी इस तरीके के अमर्यादित भाषा का समर्थन नहीं करती है, पार्टी ऐसे शब्दों के साथ नहीं है, ये किसी का निजी बयान हो सकता है, इससे कांग्रेस पार्टी का
कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ये मानिए कि जहां कांग्रेस पूरे मंच बिल्कुल पे है, ये अपने आप में एक अजीब स्थिति है कि आपके मंच पे वो नेता खड़ा होता है, आपके साथ खड़े होकर बातें करता है, प्रियंका गांधी मौजूद है, तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद है, उसके बावजूद बयानों से पल्ला झाड़ना, ये अपने आप में अजीब स्थिति पैदा हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।